हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सफ़र ज़िंदगी का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। मैं और मम्मी तैयार होकर, घर का मैंने सारा काम कर लिया है और सुबह का ब्रेकफास्ट करके बच्चों को स्कूल भेज दिया और इनको शॉप पर भेज दिया। अभी मैं और मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया है और बस जस्ट अभी थोड़े से कपड़े धोने वाले हैं और उसके बाद हम दोपहर को, हमारे घर में आज लंच नहीं बनेगा, हम जाएंगे लंगर खाने। हमारे ना यहाँ पे अभी हमारी सती माता की जगह है, हम वहाँ पे लंगर खाने जाएंगे। तो चलो आपको दिखाती हूँ अभी अपना सती माता का मंदिर। और ये है हमारे सती माता जी का मंदिर, ये हमारी कुल देवी है। और यहाँ पे आज हमारे संत अवतार बाबा जी के द्वारा यहाँ पे जग करवाया जा रहा है और यहाँ पे कई महान महंत आए हुए हैं जिनके प्रवचनों से ये सारा वातावरण गूंज रहा है। इन्होंने बहुत अच्छे मधुर भजन गाए हैं और भजन सुनकर सभी लोग आनंदित हो चुके हैं। अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम भक्ति की तरफ भी लगाना चाहिए। आज मैंने गाजरें ली थी जिसका मैं गजरेला बनाऊंगी और मैंने यहाँ पे इनको कस लिया है। मैंने इनको मीडियम साइज़ से कसा है क्योंकि ना तो बहुत मोटे से करिए और ना बहुत बारीक से, इसको मीडियम साइज़ से आप करिए। देखिए बिल्कुल सेट हुई हैं गाजरें। ये मैंने 1 kg गाजर ली थी जिनको मैंने कस के रख लिया। अभी कढ़ाई में मैंने 1 कड़छी देसी घी की डाली थी और उसके बाद मैंने इसमें गाजरें डाल दी। गाजरों को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी जो कि रबड़ की तरह हो जाए और पानी सारा सूख जाए अच्छी तरह। यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से गाजरें सूख कर रबड़ी की तरह हो चुकी हैं, पानी एकदम सूख गया है इसका। अभी इसी स्टेज में हम इसमें दूध मिलाएंगे। एक केजी गाजर थी जिसको मैंने अच्छी तरह से पानी सुखा दिया था, जिसका अच्छी तरह उनको भूना पहले, उसके बाद मैंने इसमें 1.5 kg दूध डाला है। अभी दूध और गाजर अच्छी तरह पकने देंगे, ये कम से कम आधा घंटा तक पकती रहेंगी। ये बहुत पेशेंस का काम है, आप धीमी आंच पे इसको करके रखें, बहुत तेज आंच में नहीं पकता ये गजरेला, बस धीमी आंच में करके छोड़ दें इसको। बस एक ध्यान रखें कि इसकी साइडों से इसको निकालते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइडों से इसको चिपकने मत दीजिए। और दूसरी साइड मैंने सब्जी डाली हुई है, मटर गाजर आलू की, वो भी साथ साथ बना रही हूँ क्योंकि रात का डिनर भी बन रहा है। अभी और सुबह मैंने कुछ मूलियाँ काट के रखी थी इस तरह से क्योंकि मेरी बेटी मूलियों का अचार बहुत पसंद करती है और मैं ये फ्रेश बनाती हूँ, मैं हर हफ्ते बना लेती हूँ ये, इसलिए मैंने ये सुबह काट के रखी थी। और यहाँ पे मैंने गोभी लिया था, वो भी थोड़ा काट के रखा है, उसका भी अचार डालूंगी, पर अभी इस टाइम मैं मूलियों का अचार डालूंगी पहले। मूलियों का अचार बिल्कुल सिंपल तरीके से डालती हूँ। देखिए ये काट के मैंने एक डब्बे में डाल लिया और साथ में ही इसके मैं नमक हल्दी और मिर्च ऐड कर दूंगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, डब्बा बिल्कुल सूखा होना चाहिए और मूलियाँ सुबह काटी होनी चाहिए क्योंकि 2-4 घंटे इनको नमक लगाकर रख दीजिए, सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे गलगल का अचार डाला है, गलगल का अचार से इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और एक नींबू इसमें ऐड करूँगी।
नमक, हल्दी और लाल मिर्च, बस ये तीन चीज़ें ऐड करती हूँ मैं, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, ये उसी टाइम खाने वाला हो जाता है। अभी ये बनकर रेडी हो चुका, आप इसको अभी खा सकते हैं। और इधर मेरी सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी है, आटा मैंने पहले गूंद के रखा था, बस अभी चपाती लगानी है। वो क्या बना रहे हो? आज बना रही हूँ मैं गजरेला और आलू मटर और गाजर की सब्जी और साथ में चपाती। वाओ टेस्टी। टेस्टी लगता है आपको? हाँ, चलो ठीक है, सबसे ज्यादा लाओ। और देखिए यहाँ पे मेरी सेल्फ पर कितना खलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आज अचार वगैरह डाला है और ये गजरेला बनाया है। आपको तो पता है कि गजरेला बनाना हो तो कितना काम लगता है, कितना टाइम लगता है इसको अच्छी तरह से, इसको कद्दूकस करिए, फिर इसको भूनिए, है ना। पर अभी चपाती खिलाकर मैं इनको फिर सारी सेल्फ वगैरह किचन पूरी क्लीन करके साफ करके ही सोऊंगी। जब तक उधर गजरेला बन रहा है ना, तब तक मैं सबको खाना खिला देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद गजरेला भी खाना है। चलो खाना खिला देती हूँ। पहले गाजरें यहाँ पे पक चुकी हैं और दूध का अच्छी तरह से खोआ बन रहा है, देखिए आपस में एकदम मिक्स हो रहे हैं। इसको और थिक करेंगे। अभी एक कटोरी इसमें हम अभी शुगर की ऐड करेंगे, शुगर और इलायची पाउडर, और मेवा भी आप डाल सकते हैं इसमें, मेवा डालो डालना चाहो तो। और साथ में ही यहाँ पे मैंने देखिए ड्राई फ्रूट को इस तरह से मैश करके रखा है, 3 स्पून इसके डालेंगे। ये काजू बादाम और पिस्ता है, इसको मैंने मैश करके रखा हुआ है, और थोड़ी सी इलायची पाउडर। गजरेला बनकर रेडी हो चुका है और मैंने सारे किचन की सफाई कर ली है, सेल्फ वगैरह सारी सफाई कर दी है। अभी हम खाएंगे गजरेला। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।